जय जिनेंद्र। महानुभाव, दो शब्द हैं, एक है कथा और दूसरी है व्यथा। कथा और व्यथा, अब इन दो शब्दों के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कथा जो है वह हम हर किसी के सामने सुना देते हैं, लेकिन व्यथा, व्यथा किसके सामने सुनाते हो? कि जो व्यथा से रहित है। कथा का आदि तो हर कोई है, लेकिन व्यथा का जो आदि है वह हर कोई व्यथा से रहित नहीं है। कथा के सहित तो सारे लोग हैं, लेकिन व्यथा के सहित सारे लोग नहीं। तो कथा तो आप कहीं पर भी सुन लेते हो, कथा तो कहीं पर भी आप सुना लेते हो, कथा तो आप किसी के सामने भी कर लेते हो। आप कहते हैं ना कि अब वो आदमी आएगा और अपनी सारी राम कहानी सुनाएगा। कथा को कहते हैं कहानी। क्यों व्यक्ति आएगा और अपनी राम कहानी सुनाएगा? कथा को कहते हैं कहानी। और व्यथा को कहते हैं, व्यथा को कहते हैं बताइए, तकलीफ, समस्या, जिसको कहते हैं व्यथा। कथा और व्यथा में इतना अंतर है, कथा सुनाई जाती है, कभी भी ध्यान रखना, कथा सुनाई जाती है प्रसन्नता की और व्यथा सुनाई जाती है दुख की। बहुत सारे लोग हैं जो कि व्यथाओं से ग्रसित हैं। आप उनके सामने चले जाओ, वह आपको देख के जैसे तैयार ही बैठे हैं कि उनको अपना दुखड़ा आपके सामने सुनाना है। और हमारे आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति कथाकार होता है उसको सारी दुनिया प्रसन्न पसंद करती है, लेकिन जो व्यक्ति व्यथा को हरने वाला है उसको सारे संसार के लोग क्या त्यागी वृत्ति भी पसंद करते हैं। व्यथा को हरने वाले, व्यथा को हरने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए तो कहते हैं कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अपने हमसे रूठ न जाए, अपने हमसे रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। क्या कहा कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इससे तरीका क्या है, चुप हो जाओ और अपने हमसे रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। रूठेगा कौन? जब उसके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो यह व्यक्ति रूठेगा। और रूठता कौन है मुझे बताइए, रूठता कौन है? जो आपका अपना होगा वही रूठता है। कभी आप बताइए रस्ते चलता आदमी ने आपसे, आपको देखकर रूठा? आप मुझे बताइए कि आप यदि मान लीजिए फटी कमीज पहनकर भी जा रहे हो तो कोई रस्ते चलते आदमी आपसे कहेगा कि भाई आपकी फटी कमीज है? नहीं कहेगा। लेकिन यदि कोई आपका जानने वाला होगा तो वह जरूर कहेगा कि भाई साहब ये कमीज शायद गलती से फट गई। यदि आप सुंदरता होके जा रहे हो, सुंदर बन के जा रहे हो, तो आपको रास्ता चलता आदमी कभी तारीफ करेगा क्या? नहीं करेगा। तारीफ कौन करेगा? जो आपका अपना होगा। तो जो अपना होता है वही आपसे प्रसन्न होता है, और जो अपना होता है वही आपसे रूठ जाता है। इसलिए कहते हैं अपने हमसे रूठ ना जाए, इसलिए चुप रहते। कई जगह चुप रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है चुप रहो तो गूंगा कहते, चुप रहो तो गूंगा कहते बहु बोलो बाचाल, चुप रहो तो गूंगा कहते बहु बोलो बाचाल। इसलिए तो प्रभु हम आपकी शरण में आए कि आप जो बोला वही बोलेंगे। क्या है? चुप रहोगे तो गूंगा बोलेंगे, ज्यादा बोलोगे तो बाचाल कहेंगे। इसलिए क्या हुआ, हम भगवान जी आपकी शरण में आ गए, हम तो इसलिए भगवान की शरण में आ गए कि भैया आपको जो बुलवाना बुलवा लो। तो कथा और व्यथा, कथा हर व्यक्ति की है, लेकिन व्यथा सभी व्यक्ति के हर समय है। किसी के बच्चे की व्यथा है, किसी की पत्नी की व्यथा है, किसी के पति की व्यथा है, किसी की कुछ व्यथा है, किसी की कुछ व्यथा है। कथा तो स्टोरी किसकी बनती है, जो कोई बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन व्यथा सब जगत की बन जाती है। इस संसार में मुझे लगता नहीं है
कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले, मुझे मिले, कि जो कहे महाराज जी मैं पूर्ण सुखी हूं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया। कहते हैं कि सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें, लेकिन मुझे बताओ इतने सारे लोग हैं, आप कोई व्यक्ति किसी दर्द से पीड़ित नहीं होगा, लेकिन उसको जीवन में कभी ना कभी सिर दर्द जरूर हुआ होगा, पेट दर्द जरूर हुआ होगा, कभी ना कभी उसके जीवन में उसको कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्यों? कारण यह है कि संसार का चक्र ऐसा है, संसार का चक्र ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से अपेक्षित है, किसी ना किसी कारण से समस्या में ग्रसित है, किसी ना किसी कारण से कोई तकलीफ में जूझ रहा है। तो हमें अपने जीवन में अपनी तकलीफ को समाप्त करना है। अपनी कथा को सुनाओ चल जाएगा, लेकिन अपनी व्यथा को लोगों को मत समझाओ, क्योंकि आज भर ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि यदि आपके शरीर पर जलन हो रही है तो पड़ोसी आपको फेविकोल दवाई लेकर लगाने के लिए आए, हो सकता है कि वह आपके पर जले पर नमक भी छिड़क दे। इसलिए कथा तो सुना दो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यथा हर किसी को मत सुनाना, व्यथा उसको सुनाना कि जो व्यथा से रहते हैं। अरे मांगो उसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उससे जो दे दे खुशी से। अब आप मांग रहे हो कि भैया ऐसा दे देना, अरे जिसके पास खुद के खाने के लिए डबल रोटी नहीं है, डबल रोटी समझते हो? डबल रोटी क्या किसको कहते हैं? ब्रेड, बचपन में कहते हैं डबल रोटी, पता नहीं क्यों कहते होंगे, लेकिन डबल रोटी कहा जाता था। तो जिसके पास खाने के लिए खुद डबल रोटी नहीं है, आप उससे कह रहे हो मुझे जो है ब्रेड पकौड़ी दे दो, वो कैसे देगा भाई? जब जिसके पास में होगा वही तो देगा। तो मांगो उससे जो दे दे खुशी से, नहीं तो कथा चल रही है, कथाकार अपनी कथा बाँच रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप बड़ी कथा सुन रहे हो, सारी कथा सुन ली और पूछा गया आदिनाथ भगवान का परिचणक हुआ था? बोले हाँ बहुत अच्छा हुआ था, इतनी बढ़िया भक्ति हुई, इतने बढ़िया इंद्र दरबार हुए, इतना बढ़िया माता पिता का संवाद हुआ, इतना बढ़िया महाराज जी ने प्रवचन दिया। तो उनने पूछ लिया कि आदिनाथ भगवान की दो पत्नियों के नाम क्या थे? आदिनाथ भगवान की दो पत्नियों के नाम क्या थे? तो उसने हाथ जोड़कर बोला, मैं तो सिर्फ एक अपनी पत्नी का नाम जानता हूं, बाकी दुनिया का नाम मैं सुनता ही नहीं हूं। कारण है कि वहां पर बैठ के रंगमंच में बैठे हो, ताली बजा रहे, कथा सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन कथा का सार ग्रहण नहीं कर रहे। अरे जीवन में आपने कितने बार मंदिर में चावल चढ़ा दिए, कितने बार आपने मंदिर की मूर्ति जितनी भी है, बेदी चार बेदी है, चारों बेदियों पर आपने सामग्री चढ़ा दी, लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि जो आपके मंदिर में भगवान जी की मूर्तियां कौन कौन सी मूर्तियां कौन कौन सी बेदी में हैं, महाराज जी आप भी क्या बात करते हो, क्या हम लोग यहां पर निरीक्षण करने आते हैं? हम लोग क्या यहां पर निरीक्षण करने आते हैं? हम तो अपनी भक्ति भाव रहती है, चावल चढ़ाए और अपना भगवान की भक्ति मिली जाते हैं। मैंने कहा सुवासी बहुत अच्छा। अगले दिन तीन चार दिन बाद मैं जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो मैंने देखा वही बंदा कमेटी के पदाधिकारियों से कह रहा है मंदिर में सफाई नहीं कर सकते हो, मंदिर में बल्ब नहीं लगा सकते हो, मंदिर का कर्मचारी ऐसे घूम रहा है। मैंने कहा भाई साहब यहाँ आइएगा। बोले महाराज जी आप भी समझाते नहीं हो समिति वालों को। मैंने कहा परसों तो आप कह रहे थे कि मैं मंदिर में क्या निरीक्षण करने आता हूँ, परसों जब मैंने आपसे पूछा था, तीन चार रोज पहले मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से भगवान की कितनी कितनी प्रतिमा है, तो आपने जवाब दिया था कि क्या मैं निरीक्षण करने आता हूं, तो अब यहां पर क्या परीक्षण करने आए हो? तो वो बेचारा चुपचाप चलता बना। तो ये संसार की स्थिति है कि हम कथा को सुनते हैं, व्यथा को सुनाते हैं, लेकिन कहां पर कथा को सुनना चाहिए, कहां पर व्यथा को सुनाना चाहिए, इसके बारे में हमें समझ नहीं है। ध्यान रखना जो व्यक्ति अपनी व्यथा देव सहस्त्र गुरु के चरणों में सुना देता है उसके जीवन में कभी व्यथा आती ही नहीं है, और जो व्यक्ति दुनिया की कथा सुनता है और अपनी व्यथा को बढ़ाता है उसके जीवन में कथा रह जाती, व्यथा होती। कथा किसे कहते? कहानी को। व्यथा कहते तकलीफ को। तो ऐसे संसार में कोई लोग नहीं है जिसकी कोई ना कोई कहानी ना हो, और ऐसा संसार में कोई लोग नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई व्यथा ना हो। तो अपने जीवन में ध्यान रखिए, अच्छी कथा को सुनिए, आपके जीवन से व्यथा दूर हो जाएगी,
आप अपने जीवन में अच्छी कथाओं को सुनिए तो आपके जीवन में क्या होगा, व्यथाएं अपने आप गायब हो जाएंगी। जो व्यक्ति जीवन में कथा को सुनता है उसके जीवन से व्यथा गायब हो जाती हैं। लेकिन कथा कौन सी हो, मात्र मनोरंजन के लिए कथा ना हो बल्कि मन के रंजन के लिए कथा हो, आत्मरंजन के लिए कथा हो। मनोरंजन वाली कथाएं तो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक खटिया पर सोते सोते मरते तक सुनोगे। लेकिन जो व्यक्ति मनोरंजन की, आत्मरंजन की कथा सुन लेता है उसको जीवन में कभी व्यथा नहीं आएगी, ये पक्का है। मनोरंजन आत्मरंजन, जो मन को प्रसन्न करता है उसे मनोरंजन कहते हैं, जो आत्मा को प्रसन्न करता है उसको आत्मरंजन कहते हैं, और जो मन को खाली यहां वहां भटकाता है उसे मनोरंजन कहते हैं। तो मनोरंजन छोड़ो, मनोरंजन और आत्मरंजन करो। और जो व्यक्ति मनोरंजन करता है, आत्मरंजन करता है, वही एक ना एक दिन प्रभु का भजन करने के लिए उत्तराधिकारी बन जाता है। तो हमें अपने जीवन में कथा तो घर घर सुनी जा रही है, व्यथा भी हर घर में सुनाई जा रही है, लेकिन अपने जीवन में आप जो है अपनी कथा को लोगों के सामने सुनाते हो चल जाएगा, लेकिन अपनी व्यथा को लोगों के सामने मत सुनाओ। क्योंकि कहते हैं आप अपना दुख दर्द हर किसी को सुनाओगे तो आगे जाके वही भी आपको तकलीफ देने वाला बन जाएगा। आप यदि अपनी समस्याएं सबके सामने रखोगे तो आगे जाकर वही भी आपको समस्या देने वाला बन जाएगा। और यदि आप अपनी खुशी सबके सामने बांटोगे तो आगे जाके वह आपको खुशी देने लग जाएगा। मुझे बताइए, मुझे आप बताइए कि आपको कहीं बाहर जाना है और आपकी गाड़ी खराब हो गई, और आपके पड़ोसी के पास दो गाड़ियां हैं, लेकिन दो तीन दिन पहले ही आप जब घर से निकल रहे थे, जब वो मिस्त्री को डांट रहा था कि पता नहीं गाड़ी कैसी खराब हो गई है जो एक दो किलोमीटर चलती है और बंद हो जाती है, तो क्या आपके मन में उससे गाड़ी मांगने की बात आएगी? आपको 10-20 किलोमीटर जाना है और उसकी गाड़ी एक दो किलोमीटर बाद खराब होती, तो क्या आपके मन में उससे गाड़ी की मांगने की बात आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भैया वो तो खुद बैठे थे, वो खुद समस्या में, उसकी गाड़ी ले जाके और मुझे परेशान होना है क्या? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ध्यान रखना, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना दर्द लोगों के सामने ज्यादा मत सुनाओ। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सुई लगाने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर की सुई आपके शरीर का रोग नष्ट कर देती है, लेकिन लोगों के लगाने वाली सुई आपके शरीर में और रोग को उत्पन्न कर देती है। तो अपनी कथा को समझें, अपनी व्यथा को समझें। अरे घर घर की कथा है, हर इंसान की व्यथा है, लेकिन कथा और व्यथा, कथा आप अच्छी सुनोगे तो जीवन में व्यथा नहीं आएगी, और यदि कथा खराब सुनोगे, कथा खराब करोगे तो जीवन व्यथाओं से भर जाएगा, बाधाओं से भरता जाएगा। तो अपने जीवन में कथा को समझें, व्यथा को छोड़ें और आपके जीवन का अहर्निश कल्याण करें। हम लोग अपने जीवन में कथाओं को पढ़ते 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 बड़े हो गए, और कथा को पढ़ते पढ़ते जीवन में व्यथा कब चालू हो गई पता ही नहीं चला। पहले के जमाने में सुना करते थे कि एक व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया तो उसके यहाँ पर कुछ आग लग गई थी, देखा उसने ताला खोलकर तो आग लग गई, लेकिन बाद में मालूम चल रहा है कि आज हर घर में आग लगी हुई है। आग से तात्पर्य ये नहीं कि जो अग्नि वाली आग है, आग से तात्पर्य ये कि जो मन की आग है, वचन की आग है, तन की आग है, काय की आग है, ये हर घर में लगी है। इसलिए तो किसी ने कहा है लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए। अब आग पड़ोसी बुझाने भी नहीं आती, पहले मोहल्ले में आग लग गई तो पूरा मोहल्ला बाल्टी लेके दौड़ता था, और यदि आज आग लग रही है तो आदमी तो ये देखता कि मेरा तो कुछ नहीं चलेगा। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, अब पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। तो जीवन में कथाओं को सुने, ऐसी कथाओं को सुने जो आपकी व्यथा को हर दे, ऐसी कथाओं को सुनकर अपने जीवन में उतारें जिससे आपकी व्यथा समाप्त हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, अपने हमसे रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, आज कोई सुनने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम के